आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल सेव का हलवा, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हम ये सेव लिए हैं और इसे धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। तो बिना छिलका निकाले ही हम सेव को ग्रेट कर लेंगे। इसे इस तरह से घिस लेते हैं और सेव के हलवा बनाने के लिए हमें सेव का छिलका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम छिलका भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो है इसका अंदर का हार्ड पार्ट है और बीज जो है इसे हम अलग कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे सेव को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए सारे सेव को हम ग्रेट कर लेंगे। तो सेव को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं इसे बनाने। गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच देसी घी और अब इसमें हम डाल देंगे ये इलायची के कुछ दाने हैं, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है और अब इसमें हम ये डाल देंगे सेव, ग्रेट किया हुआ सेव डाल देंगे। और अब सेव को घी में सुनहरा होने तक अच्छी तरह से हमें भून लेना है। बहुत स्वादिष्ट बनता है सेव का हलवा, व्रत के लिए या ऐसे भी आपको अगर खाने का मन हो तो आप सेव का हलवा बनाकर खाइए। ये बहुत ही पौष्टिक है और बहुत सेहतमंद है और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। तो सेव को हम अच्छी तरह से भून लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी इसका लिक्विड नहीं है, इसमें अच्छी तरह से भून गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच नारियल का बूरा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह वो जो नारियल का गोला होता है उसे भी घिस कर डाल सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसे हम सेव के साथ 2 मिनट भून लेंगे। तो ये हमारा सेव अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, जैसा मीठा आपको पसंद है, क्योंकि सेब भी हमारा मीठा ही है, तो चीनी आप अपने ही हिसाब से डालिएगा। तो चीनी डालकर इसे हम मिला लेते हैं और चीनी डालने से ये जो है सेब है वो हलवा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और हमें ऊपर से दूध या पानी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पका लेना है। ये देखिए ये चीनी पिघल रहा है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो इसी तरह से हमें इसे मिलाते रहना है जब तक चीनी अच्छी तरह से गल ना जाए। ये हमारा सेव का हलवा बनके तैयार है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। ये हमारा सेव का हलवा बनके तैयार है। आप इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत टेस्टी होता है। आप इसे व्रत में बनाकर खाएं, आप पूरे दिन आपको एनर्जी मिलेगा, ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत जल्द बन जाता है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सबको हैप्पी नवरात्रा।